नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह के सोशल स्किल्स के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अहमद सिद्दीकी और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स पर। दिस पॉडकास्ट इज स्पेशली फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। प्रेजेंटेशन स्किल्स की हर इंसान को ज़रूरत होती है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। तो आपको हर जगह प्रेजेंटेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। प्रेजेंटेशन बहुत तरह की होती हैं, चाहे वो डिबेट हो, स्पीच हो, या किसी कंटेंट को आप डिलीवर कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपका आई कांटेक्ट हो, आपका जेस्चर हो, पोस्चर हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, या आप जिससे बात कर रहे हो उससे आपको मुखातिब होना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट सपोज आप किसी ऑडिटोरियम में गए हैं और वहाँ एक VI यानी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल स्टेज पर जाता है और उसको नहीं पता कि उसकी ऑडियंस किस डायमेंशन में बैठी हुई है, चाहे वो सामने भी हो सकती है, लेफ्ट पे हो सकती है, राइट पे हो सकती है, या हो सकता है कि वो आपकी तीनों डायमेंशन में बैठी हों और आपको पता ना हो। तो जब आप स्टेज पर जाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरे लेफ्ट कॉर्नर पर बैठा है, प्लीज़ चेयर अप, मेक अ नॉइज़, या आप उसको ये कह सकते हैं कि मेरा नाम पुकारो या अपना नाम पुकारो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लेफ़्ट पे कहाँ ऑडियंस ख़त्म हो रही है या बैठी हुई है। जब वो नॉइज़ करे, जब वो शोर मचाए या अपना नाम ले या आपका नाम ले, तो अपना फेस उसकी तरफ कर लें ताकि आपको उसकी डायरेक्शन पता चल जाए। फिर यही तरीका आप अपने राइट साइड पे भी कर सकते हैं कि जो राइट कॉर्नर पे है, आप कह सकते हैं कि मेरा नाम पुकारो या अपना नाम पुकारो, ताकि जब वो नाम पुकारे या कोई शोर मचाए तो आप राइट साइड की डायरेक्शन को भी एनालाइज कर सकें। इससे होगा क्या कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो आपको तमाम डायरेक्शंस का पता होगा, तो आप इजीली उनकी तरफ मुतवज्जा हो सकेंगे। इसका एक तरीका और भी हो सकता है कि आप जब स्टेज पर जाने वाले हों तो उधर के ऑर्गेनाइज़र से या उधर के होस्ट से आप पूछ सकते हैं कि ऑडियंस किस डायमेंशन में बैठी हुई है। तो इससे आपको ईजीली लोगों से इंटरेक्ट करने में आसानी हो सकती है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह का रखें कि आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट लगें। जब आप बात करें तो अपने हाथों की मूवमेंट अपनी वॉइस टोनैलिटी से मैच करें और अपने पैरों की डायरेक्शन भी उस तरफ लेके जाएं जहां आपका फेस हो। यानी कि जब आप बात कर रहे हो सकता है कि आप बात करते करते राइट की तरफ अपना फेस करें, तो अपने पैरों की डायरेक्शन भी राइट की तरफ कर लें। अपने शोल्डर्स को ब्रॉड रखें और अपने हाथों की मूवमेंट भी उसी लिहाज से करते रहें। प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस को मद्देनज़र रखना होता है। हो सकता है कि वो टीनएजर्स हों या हो सकता है कि वो सीनियर सिटीजन्स हों, इसीलिए आपको उसी लिहाज से अपना कंटेंट प्रिपेयर करना होता है। जस्ट सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रेजेंट करना है आउटसाइडर्स को, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको सब कुछ बताएंगे, जैसे कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और अगर यही प्रेजेंटेशन आप अपने स्टाफ के सामने देंगे तो जाहिर सी बात है आप उनको वो बातें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे जो वो ऑलरेडी जानते हैं। तो आपको अपना कंटेंट उस लिहाज से प्रिपेयर करना होता है। जब भी हम स्टेज पे जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो सबकी नज़रें हम पे होती हैं और सबके कान बेताब होते हैं हमें सुनने के लिए। तो जब हम स्टेज पर जाते ही ये बोलते हैं कि क्या किसी को मेरी आवाज़ आ रही है, सही पहुँच रही है, या हम माइक चेक करने लगते हैं, हेलो हेलो 1 2 3, या तो फिर हम ये कहते हैं कि वैसे तो आज मैं प्रिपेयर करके नहीं आ पाया लेकिन कोशिश पूरी करूँगा या कोशिश पूरी करूँगी, तो ये फॉल्स स्टार्ट होता है। हमें इस तरह के स्टार्ट नहीं लेने चाहिए, बहुत ही बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। तो जाते ही हमें सलाम करना चाहिए, सलाम करें या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है। और आपके सामने जो ऑडियंस है, हो सकता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स हों या आपके बॉस, कोलीग्स या फेलोज़ या टीचर्स बैठे हों, तो हमें उनको मुखातिब करना चाहिए। मुखातिब करने के बाद अपना नाम बताएं और अपने टॉपिक का नाम बताएं। टॉपिक का नाम बताते ही उसका इंट्रोडक्शन कि टॉपिक है क्या, फिर उसकी बॉडी, उसके जो भी मेन पॉइंट्स है जो आपने सोचे होंगे, उस बॉडी में आप
लेके आएँ और साथ में कॉन्क्लूजन। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो उसमें आप कोई जोक ऐड कर सकते हैं, ऐसा जोक जो आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेट करता हो। और जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हों तब भी आप एक जोक ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा चेयर अप हो जाए। अगर आप शेर व शायरी का भी शौक़ रखते हैं तो आप कोई शेर पढ़ सकते हैं, अच्छा सा शेर पढ़ के, और साथ में ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में जान डाल देती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी है और आपकी ऑडियंस बोर हो सकती है तो उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे बातें करें, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं ताकि वो इस प्रेजेंटेशन से बोर ना हों और आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए उनको मज़ा भी आएगा। यूजुअली जब काफ़ी लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो स्क्रीन पर लिखी हुई स्लाइड्स को भी पढ़ रहे होते हैं। इससे एक बुरा इंप्रेशन इसलिए जाता है, वो कंटेंट जो ऑडियंस इजीली रीड कर सकती है तो वो स्पीकर से क्यों सुने, क्योंकि ये तो एक आसान सी बात है कि कोई भी लिखा हुआ पढ़ सकता है। तो बेटर ये है कि जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उससे रेलेवेंट आप बात करें, ना कि उसको पढ़ें। अपनी प्रेजेंटेशन में जान डालने के लिए आप अपने बैकग्राउंड पे एक प्यारा सा म्यूज़िक चला सकते हैं, ऐसा म्यूज़िक जो कि आपकी प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट हो। हो सकता है कि आप बहुत ही अफसरदार सी बात कर रहे हों और पीछे बहुत ही एक रॉक म्यूज़िक लगा हो, तो म्यूज़िक शुड बी रेलिवेंट एज वेल। ऐसा म्यूज़िक नहीं होना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस की सारी अटेंशन उस म्यूज़िक की तरफ चली जाए, तो बेहतर यह है कि म्यूज़िक भी उस हिसाब से चूज़ किया जाए। और इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।